ठीक है। ये क्या है बेटा? पेंडुलम। बॉब हाँ, बॉब एंड पेंडुलम। क्या बनाना है हमें? कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, यह एंगल थीटा था, यह एंगल, इसी को कहेंगे कोनिकल पेंडुलम। क्लियर? अब बताइए नीचे क्या होगा, या टेंशन, या क्या होगा? एमजी एमजी। हमें क्या निकालना है इस केस में? क्या निकालना है? टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम टाइम पीरियड। पे चलिए इसको इसको रफ कर रहा हूं। बताइए तो टी का कंपोनेंट क्या क्या होगा? यह थीटा है तो यह थीटा हो जाएगा, यह टी कॉस थीटा, और इधर टी साइन थीटा। कोई डाउट? नहीं। टी कॉस थीटा क्या देगा? एमजी। और टी साइन थीटा क्या देगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर पाथ। यह कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ। क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एंड टी साइन थीटा इक्वल टू, बोलो तुम लोग। ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर एम आर आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। अब आर क्या होगा? आर इज दिस रेडियस, लेंथ ए वाला रेडियस है ना, इसका लेंथ कितना है? एल है। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट? नहीं अच्छा, यह एंगल थीटा है तो इधर क्या होगा? एल कॉस थीटा, और इधर होगा एल साइन थीटा। इसमें कोई डाउट? बोलना। यह एल है ना, यह एंगल थीटा है ना, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। कोई डाउट? अच्छा हाँ तो आर की जगह नहीं पर क्या हो जाएगा? आर की जगह पर एल साइन थीटा एल साइन थीटा। क्लियर है ना बेटा? यस इसको पुट कर दे यहां, या बाद में पुट कर दे, जब भी करना है कर सकते हैं। अब एक काम करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। वेयर आर इक्वल टू क्या होगा? एल साइन थीटा। एल साइन थीटा क्लियर? क्लियर हो रहा है? यहां से क्या निकला बेटा? टेंशन निकला। साइन थीटा इनकोनस्टेंस एम एल ओमेगा स्क्वायर क्या टेंशन आया? एम एल ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तो इतना आया टेंशन। एक सेकेंड सर मैंने कुछ नहीं किया, यह स्क्वायर था, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। एम स्क्वायर कॉमन कर लिया, एम मास दोनों में कॉमन किया। यहां पे जी स्क्वायर, यहां पे आर ओमेगा स्क्वायर बच गया का होल स्क्वायर। रफ करूं? नहीं सर एक सेकेंड हाँ सर के अब बताइए टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? एम जी। टी साइन थीटा इक्वल टू क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर आर आर। इसको लिख सकते हैं एम टी ओमेगा कॉस एम स्क्वायर एल ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। एल साइन थीटा कोई डाउट? नहीं अच्छा
आप चाहो तो यह कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बचा क्या? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कितना आ गया? टीटी कैंसिल नहीं, हाँ कैंसिल होगा। आर को एल एल साइन थीटा, हाँ आर को एल साइन थीटा दिया। हाँ यह डायग्राम रिमूव करूं? हाँ सर। हाँ क्या आ गया? वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल बाय जी आया क्या? इधर आकर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एल कॉस थीटा, कॉस थीटा ओमेगा इक्वल टू G by L, then T equal to two pi root over L by G cos theta. L cos theta. Cos theta. लिखिए और कॉनिकल पेंडुलम ना। हाँ एक कॉनिकल पेंडुलम के लिए। हाँ। सीधा फॉर्मूला आता है सर, डेरिवेशन नहीं आता? नहीं फॉर्मूला आता है, याद रखना है। आप लोग को डेरिवेशन ज्यादा नहीं पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा। बोर्ड में हाँ कॉनिकल पेंडुलम पूछेगा, पूछता है हर साल, पूछता है, पूछ सकता है। बोर्ड में हर साल पूछता है सर। बोलो बेटा। एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन हो सकती है बोर्ड का ना? बोर्ड का भी और नीट का भी। नीट का तो नहीं, नीट के फॉर्म्स भी नहीं आए अब तक। हमारे सर भी बोले कि पोस्टपोन हो सकती है। नहीं फॉर्म आएगा, अभी टेंशन मत लो, हमारी टाइम पे ही होगी अपनी। लेकिन बोर्ड का रिस्पोंड होगा। ठीक है फिर, बोर्ड का चांस है पोस्टपोन्ड होने का, लेकिन इसका हाँ देखो, लेकिन चांस कम है क्योंकि वो नहीं होता है जनरली, फिर भी देखते हैं। लिखे तो नेक्स्ट टॉपिक सर, क्वेश्चंस एक साथ में कराओगे क्या? करा लूं क्या कुछ क्वेश्चंस? अब भी करा लो, मतलब ताजा ताजा टॉपिक है ना ये। चुरुको बेसिक्स तो पढ़ ही लिए हो, तब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। चलो बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं किया ना। लिखो टॉपिक है SH ऑसिलेशंस 117। सर टाइम पीरियड तक हो गया हमारा, मतलब कॉनिकल पेंडुलम तक। उसके आगे का तो अब एप्लीकेशन ही है, बचा कुछ नहीं। और 100 हाँ लिखे तो 2015 के नीट का क्वेश्चन है, लिखे जल्दी लिखे फटाफट बताते। मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? वैल्यू बताओ। हाँ y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो गया, वाई टू इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। सर कैपिटल है कि कैपिटल स्मॉल है? स्मॉल है। बी कॉस ओमेगा टी? हाँ बी कॉस ओमेगा टी। आर सुपर इम्पोज द मोशन, सुपर इम्पोज नहीं पढ़ाया हूँ। नहीं वेव मोशन का नहीं, SHM का है। एक्चुअल में क्या होता है SHM का, ये दो SHM जब एक दूसरे से ऑसिलेट होता है, एक साथ ऑसिलेट होता है कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसे कहते हैं सुपर इम्पोज। बता दूं क्या? चलो सुपर फिर कर लेंगे हम।
हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट करना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। देखो सुपर इम्पोज लिखेगा, क्या होता है दो SHM कंबाइंड होके अब इसका SHM निकालना, इस ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, जल्दी डायग्राम बना लीजिए फटाक से। इसका इक्वेशन क्या है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, इसका इक्वेशन क्या है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस phi। रफ करूं रफ करूं तो y नेट वेक्टोरियली सम होता है, क्या होता है y नेट वेक्टोरियली सम, मतलब वेक्टर y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। y नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस phi। क्लियर, दोनों के बीच का फेज एंगल डिफरेंस कितना है फाइव, कितना आ जाएगा इसको एक्सप्लेन करेंगे, कितना आएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, कितना आ गया cos phi a2 sin phi। क्लियर, यहां से sin omega t कॉमन करेंगे कितना आएगा देखिए, तो अब इसको क्या मानेंगे, यह दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसको मानेंगे r cos डेल्टा, इसको क्या मानेंगे r sin डेल्टा। r क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डेल्टा क्या है रिजल्टेंट फेज एंगल। तो देखिए, तो इसके जगह पर यह लिखेंगे कितना आ जाएगा इसके जगह पर क्या लिखेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपने क्या देखा कि रिजल्टेंट वी एस एच एम करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा आर, जिसका फेज एंगल डिफरेंस कितना होगा डेल्टा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा। सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि यहां पे फ्रीक्वेंसी तीनों केस में सेम होगा,
फ्रीक्वेंसी तीनों केस में सेम होगा, ये बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रफ करूं? एक सेकंड, ऊपर का रफ कर दूं? अब बताइए आर कॉस डेल्टा के जगह पर हम क्या जानते हैं, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, और आर साइन डेल्टा के जगह पर क्या होगा, ए टू साइन फाई। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग और ऐड करेंगे, क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, प्लस हो जाएगा कितना आएगा, ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू प्लस इतना होगा। अब देखो यहां पे टी स्क्वायर और यहां पे टू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव कितना आ जाएगा बोलो, ए टू स्क्वायर, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, यह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया। क्लियर? यस सर। अगर डायरेक्शन निकालना होगा, रफ करूं, आपको ये याद रखनी, अगर डायरेक्शन निकालना होगा दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टेन डेल्टा इक्वल टू ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, डेल्टा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए टू अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। जल्दी करिए, गेट बंद कर दीजिए। लिख लिए? हाँ सर। बढ़ू आगे? अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीट 2015 y1 इक्वल टू क्या दे रहा है, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, एंड y2 इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। देखो सबसे नहीं, यहाँ पे फाई कहाँ है, क्वेश्चन में नहीं दिया। हाँ कॉस से मतलब सर, कॉस से मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब पाई बाय टू ही पाई रहेगा। यह हमेशा जिस साइन में होगा तो ध्यान रखना है दोनों का जो फंक्शन होगा वो सेम होना ही चाहिए और दोनों साइन में होना चाहिए। इसका मतलब y2 b साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय टू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां का एम्पलीट्यूड कितना है a और यहां का एम्पलीट्यूड कितना है b और फेज एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपको अभी बताया था फॉर्मूला याद है, टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी निकालना क्या कॉस फाइव रिजल्टेंट।
अच्छा क्वेश्चन मैं नहीं पूरा पढ़ा हूँ क्या? नहीं अच्छा बाद में पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं रिजल्टेंट क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा, क्या दोनों देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड क्या करना है प्लस एम, अरे आर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ रिजल्टेंट यह कितना टर्म हो गया बोलो, फाइव बाई टू जीरो, नेट रिजल्टेंट कितना आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर और डेल्टा प्लस बी आर, अरे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना आएगा बेटा, है ना? चलो रब करूं इसको। अब आगे देखो, अगर डेल्टा बात करें तो क्या आएगा, अभी बताया था फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ a2 cos ऑफ sin ऑफ अल्फा अपॉन a2 sin प्लस a2 cos ऑफ अल्फा। सर यहाँ पे a लिखो, a sin अल्फा प्लस a प्लस a प्लस b cos अल्फा, b आएगा ऊपर, b आएगा ऊपर, सही है ना, b sin ऑफ, हाँ हाँ b आएगा ऊपर। कितना गया tan इनवर्स b अपॉन a, कोई दिक्कत? रुको सर, इक्वेशन क्या आ जाएगा, ठीक है सर कैमरा ऊपर, यह देखिए फाइनल आपका इक्वेशन हुआ। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है और पूछ क्या रहा है, द सुपर इम्पोज द मोशन एज, कुछ नहीं कुछ, द सुपर इम्पोज द मोशन एज, ऑप्शन ए लिख लिया ना, इनवर्स को सर बोलो बेटा क्या दिक्कत आ रही है, tan इनवर्स माने 1 अपॉन tan ना, 1 अपॉन m, 1 अपॉन tan ना, tan कैंसिल नहीं होगा, tan इनवर्स का मतलब 1 अपॉन tan थोड़ो होता है, हां ना, tan इनवर्स का मतलब 1 अपॉन tan नहीं होता है, यह अलग है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, क्लियर हुआ, tan b / a आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, tan b / a कैसे आया, b sin pi / 2 plus a plus b cos pi / 2, अरे tan इनवर्स का फॉर्मूला है ना इसलिए tan इनवर्स का आया, अरे अभी अच्छा ठीक है फॉर्मूला बताया ना रिजल्टेंट समझा हो गया, आपने ऊपर की जन क्या लिखा है, मेरे को टैली करने दो ना, ये रिजल्टेंट इक्वेशन है, सर उसमें प्लस साइन क्यों दिया आपने, प्लस डेल्टा होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही फॉर्मूला आता है ना रिजल्टेंट का, अच्छा हाँ 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 सॉरी सॉरी हाँ सही है सही है, सर ऑप्शन देखिए ना, चलिए लिख लिए, ऑप्शन ए सिंपल हार्मोनिक विथ एम्पलीट्यूड ए बाई बी, क्या सही है, नहीं नहीं, बी ऑप्शन बी सिंपल हार्मोनिक विथ एम्पलीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या सही है, ऑप्शन सी सिंपल हार्मोनिक विथ एम्पलीट्यूड ए प्लस बी बाई टू, नहीं, डी नॉट अ सिंपल हार्मोनिक, गलत, बी ऑप्शन, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन,
बी ऑप्शन बी क्या बी 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 हाँ सही है 2014 का क्वेश्चन लिखे जल्दी लिखिएगा नहीं मतलब जो जितना लिखने की जरूरत है वही इतना लिखिए द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए सर कैपिटल बोल रहा एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी फिर एक्स डिस्प्लेसमेंट एट टी ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट द वेरिएशन ऑफ ए विथ टाइम ए और टाइम मतलब एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ क्या होगा इसका बताइए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको तो करिए एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ निकालिए ऑप्शन दिया जल्दी निकालिए हाँ सर निकाल चार ऑप्शन है सर ऑप्शन ए क्या अब आप देखते हैं सर इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं भाई कॉस आएगा नहीं वैसे ही है ना तो ए आएगा ए ऑप्शन ए आएगा सोच के बोलना क्योंकि बहुत मार मारने वाले हैं तुम दोनों को नहीं रुको मेरा तो आंसर आ गया ए ही आएगा सर सर नीचे का भी तो ग्राफ दिखाओ देखो ना भाई ग्राफ देखो ना कितना ग्राफ देखोगे एक मिनट है सर सर आंसर क्या है आप बताइए ना क्या आया ए गलत है तो फिर सी इसका मतलब ए नहीं तो सी नहीं तो डी नहीं तो बी ऐसे ही होगा नहीं 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 सर सी आएगा क्योंकि माइनस ए ओमेगा नहीं सर वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी ऐसा आ रहा है सही है सी सही है देखो माइनस आएगा और कॉस वेलोसिटी इसका हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी कोई दिक्कत हाँ नहीं एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी क्लियर अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है इसका मतलब
कहां से स्टार्ट होगा? माइनस ए, इतना एम्पलीट्यूड है तो यह माइनस हो गया, यह आपका डिस्टेंस कितना आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर माइनस। अब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, हाँ सर, वो माइनस साइन कंसिडर नहीं किया क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाला साइन थीटा वाला होता है ना ग्राफ, इसलिए वो अंदाजा लगाया मैंने। हो गया, अंदाजा नहीं लगाना है, एग्जैक्ट बनाना है। हाँ एग्जैक्ट बना था लेकिन वो पॉजिटिव का कंसिडर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें, ये सुपरपोजिशन थ्योरम से है, 2013 नीट। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जितना लिखना उतना ही लिखिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m ऑसिलेट्स अलोंग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, स्मॉल a x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है ना। द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम, द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट of the particle is बताइए। Momentum and displacement, हाँ momentum and displacement of the particle, सोचिए थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम, दो सेकंड में बनने वाला है। मोमेंटम का मतलब लिनियर मोमेंटम, कॉट फंक्शन आएगा ना सर? कॉट फंक्शन आएगा ना? नहीं रे भाई, देखो यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अरे बोलो ना, हाँ या ना। और यह वेलोसिटी का है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इनटू v, एम तो कांस्टेंट ही है ना, एम वी, तो मतलब यह लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। हाँ या ना? ना इसका मतलब लीनियर मोमेंटम जो वेलोसिटी का इक्वेशन होगा वही लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन होगा। तो देखिए साइन थीटा साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाई ए, और कॉस ओमेगा अरे ए वी इक्वल टू, आप चलो लिनियर मोमेंटम लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। या आया? अरे आया नहीं आया? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? पी वाई एम ए ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कोई डाउट? बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग एंड ऐड ऑन बोथ साइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या क्यों करना है बट? हमें इक्वेशन निकाल, नेचर ऑफ इक्वेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल लिया, फिर m into v कर देने का और उसको x से डिवाइड कर देने का। x से डिवाइड करने से क्या होगा? इक्वेशन आ जाएगा p upon x का, ये मिलेगा ना ग्राफ। नहीं निकलेगा, आप देख लो m omega cot of omega t, cot का ग्राफ निकल रहा है। नहीं बेटा नहीं, cot का ग्राफ कभी SHM फॉर्म में होगा क्या? हो ही नहीं सकता है। नहीं तब फिर नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं SHM नहीं। देखो इसको और इसको स्क्वायरिंग और ऐड कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई m a omega स्क्वायर इक्वल टू वन, ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया नहीं आया? क्लियर खुल के बोलो। आया। यह किसका इक्वेशन दिख रहा है?
या किसका इक्वेशन है? अच्छा सर मारेंगे नहीं 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 इलिप्स 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 हाँ इलिप्स इलिप्स का ये किसका है? इलिप्स इलिप्स इसका मतलब आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, बी सर्कल, सी हाइपरबोला और डी इलिप्स। डी इलिप्स। सुशील सुशील यस सर बेटा ये आपका क्लास नहीं है, 12 का क्लास चल रहा अभी आपका 5 बजे से यस सर क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। अब नेक्स्ट हमारा जो हुआ है उस पे लो ना क्वेश्चंस। अब टाइम ऑफ हो गया ना बेटा सर, एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन ले लो फिर छोड़ दे। एक मिनट से कम बच गया, कैसे एक ले लें? करेंगे ना मेरा 5 बजे से लेक्चर है, 4:58 हो गया। ओके सर, अगर और करना है तो 8 बजे फिर से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी रहूंगा। लगातार मेरा अभी स्टार्ट होगा तो 8 बजे तक चलेगा। सर ऊपर कीजिए ना सर। हाँ बेटा टाइम खत्म हो गया, कटेगा सर कल का टाइम हम बोलते हैं आपको। लेकिन एकाएक बोलोगे तो मैं कब कहाँ कैसे रहता हूँ दिक्कत आ जाती है, पहले बोल के रखो।